तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरी सपना दीदी की सच्ची कहानी वाली वीडियो को, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दाऊद इब्राहिम की भी स्टोरी बताई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। दोस्तों दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। दाऊद इब्राहिम के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दोस्तों तो दाऊद इब्राहिम की मां का नाम था अमीना, जो कि एक हाउसवाइफ थी। दाऊद इब्राहिम का बचपन टेमकर मोहल्ला डोंगरी में ही बीता है। दोस्तों दाऊद इब्राहिम अहमद सेलर हाई स्कूल नाम की एक स्कूल में जाया करता था, जिसे बाद में वहां से निकाल दिया गया था। वो डोंगरी की लोकेलिटी में ही बड़ा हुआ और फिर उसने छोटी मोटी चोरी डकैती तस्करी करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद वो खालिद खान पाचा के संपर्क में आया। लोग उसे दाऊद इब्राहिम के गुरु भी मानते हैं। दाऊद के गलत कारनामों की वजह से घर वालों ने परेशान होकर उसकी शादी जुबिना जरीन नाम की लड़की से करा दी। दोस्तों दाऊद के दो भाई थे, सब्बीर इब्राहिम कास्कर और इकबाल इब्राहिम कास्कर, और उसकी एक बहन भी है हसीना पारकर, जिसके जीवन चरित्र पर हसीना पारकर एक मूवी भी बन चुकी है। मुंबई में उन दिनों करीम लाला की गैंग हुआ करती थी और उसका बहुत दबदबा था, और फिर दाऊद उस गैंग से जुड़कर उसके लिए काम करने लगा। 80 के दशक में जुर्म करने वाला दाऊद मुंबई का एक बहुत बड़ा नाम बन गया और फिर बाद में उसने फिल्म फाइनेंसिंग और सट्टेबाजी का कारोबार आगे बढ़ाया। इसी दौरान उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई। दोनों मिलकर भारत के बाहर भी ये काम करने लगे और मुंबई से दुबई तक इन दोनों के कामों की तूती बोलने लगी। दोनों का नाम काफी बढ़ चुका था मुंबई अंडरवर्ल्ड में, लेकिन इसी बीच मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों में दरारें पड़ गई। इसी दौरान दाऊद ने भारत छोड़ दिया और दाऊद भारत के खिलाफ पाकिस्तान से इस जुर्म को जारी रखने लगा। जुलाई 2005 में भारतीय सरकार ने दाऊद को उसके ठिकाने पर खोजकर उसे मारने की योजना बनाई। 9 जुलाई 2005 को मक्का में उसकी बेटी महरूख के साथ में पूर्व क्रिकेटर जावेद मियाजाद के लड़के जुनैद के साथ शादी का प्रोग्राम रखा गया था, और भारतीय सरकार को इस बात की पूरी पक्की जानकारी थी कि वहां पर दाऊद इब्राहिम जरूर आएगा, और उन्होंने छोटा राजन के दो शूटर्स को तैयार भी कर लिया था। लेकिन एन मौके पर यह जानकारी लीक हो गई और लोकल पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया और भारत सरकार का ये प्लान धरा का धरा रह गया। एस हुसैन जेदी की किताब डोंगरी से दुबई तक में दाऊद के 13 नामों का होने का दावा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, खुफिया एजेंसियों ने भी कई जानकारियां दाऊद के खिलाफ जुटाई है। ये सारी जानकारियां पाकिस्तान को कदम कदम पर बेनकाब करती है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद के बाद जिस तरीके से दंगे भड़के, उसके बाद डॉन दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी बना दिया गया। इसके अलावा दोस्तों 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का भी ये मास्टरमाइंड रहा है। इसके बाद दोस्तों उसने डी कंपनी नामक एक गैंग बनाई और फिर वो सारे जुर्म खुद न करके अपने लोगों से करवाता गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, दुनिया के टॉप 10 डॉन्स में तीसरे नंबर पर दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, जिसकी पहुंच अलकायदा तक है। कुछ लोगों का मानना है दोस्तों कि दाऊद को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS आसरा देती है, इसलिए आज तक दाऊद इब्राहिम गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, दाऊद के पास 4 पासपोर्ट है, 2 पाकिस्तान के हैं, 1 दुबई का है और 1 यमन सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।